मैं पिछले 4 साल से एक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में OG1 की नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। मैं साल 2 साल, तीसरे साल 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रह जाया करती थी, लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कहीं गलती कोताही कमी कहीं कोई मुझ में ही रह गई है। फाइनली 4th ईयर मैं कंसिस्टेंट रही और मैंने अपना रिजल्ट भी पास किया, और ना सिर्फ रिजल्ट पास किया बल्कि इंटरव्यू तक पहुंची। मेरे हाईएस्ट मार्क्स होने के बावजूद इंटरव्यू के दौरान मुझे सिंपली ये बोल दिया गया कि क्योंकि आपकी एज 24 साल से कुछ महीने ऊपर है, इसलिए आपको ये हम एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। और वहां पे और भी लोग मौजूद थे जो कि 28 साल तक की उम्र के थे, और मेरा सवाल उनसे ये हुआ कि अगर मैं नहीं तो ये क्यों? तो इनका जवाब ये था कि आपका जनाब कराची का डोमिसाइल है, और कराची के डोमिसाइल वालों को हम ये रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। मेरा हुकूमत है पाकिस्तान से सिर्फ इतना सवाल है, क्यों हमसे ऐसा सौतेलापन? क्यों? अगर एक बंदी इतनी पैशनेट है, इतनी इतनी कोशिश कर रही है वहां तक जाने के लिए, आखिर में आके आप उसको सिर्फ ये अल्फाज बोल देंगे एज अ स्टेट बैंक HR कि मैं हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि आपका कराची का डोमिसाइल है? क्या कराची में पैदा होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहती हूँ, ये कोटा सिस्टम बनाया किसने? ये आपने बनाया? ये किसने बनाया? ये जिसने भी बनाया उसके ऊपर एक सवाल निशान है। अगर आप तब्दीली की बात करते हैं तो आप सबसे पहले ये तब्दील करें कि जो ये सिर्फ अर्बन और सिर्फ रूरल, हम भी मेहनत से पढ़ के आए हैं यार हम, और जाके देखिए कि कहाँ पे कितनी नकलें होती हैं और कहाँ पे मेहनत से पास हुआ जाता है। पहले तो बात तो हमारे यहाँ औरतों में तालीम की शराह ही नहीं है, और जिनमें जिन औरतों तालीम ले रही हैं, जो लड़कियां तालीम ले रही हैं, उनको हम इस तरीके से डिसहार्ट करके निकाल रहे हैं। अगर आज मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ तो मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है? कोटा सिस्टम जिम्मेदार है। तो ये कोटा सिस्टम कब तक चलेगा कराची के साथ? कब तक कराची के साथ सौतेलों वाला सलूक होगा? आई वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर योर तब्दीली का आंसर नाउ। कब तक ये कोटा का शिकार हम बनते रहेंगे? मेरा नाम अनीबा खान है। आई वॉन्ट योर आंसर इमरान खान, तहरीक इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आप मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते तो आप इसे कोटा खत्म कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मेरी तरह कोई दिन रात मेहनत करके अपनी आंखें काली करके किसी साथी सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करके उस मुकाम तक पहुंचे तो उसे ये ना बोला जाए कि आप कराची के हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती।